अच्छा दोस्तों, यहाँ से अभी जा रहा था ना गले उम्र से, तो यहाँ पे मुझे एक शॉप नजर आई है परफ्यूम वगैरह वाली। तो ये भाई ने मुझे कहा कि हमारी शॉप की भी वीडियो बनाए। हाँ जी, सारे यानी कि गिफ्ट्स लेने आकर 3000 की दुकान है। तो ये ठीक है, यानी आप यहाँ पर आए यानी प्राइस वगैरह देखे, लेकिन ये है कि प्राइस आप जरूर टैली कर लें, क्योंकि बास ये देखिए कबाब वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएगा, फिश भी मिल जाएगी। होम पार्किंग है तो मुझे डर था कोई ठोक वोक ना जाए, तो अलहमदिल्ला जी ठीक है गाड़ी मेरी। मुझे ये डर था कि पार्किंग नहीं थी एक्चुअली, तो इसलिए जो है ना मैं जल्दी आ गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त यासर मलिक। उम्मीद करता हूँ हम सब लोग घर ऑफिस होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अच्छा जी, सीन ये है कि आज हम जो है ना हरम शरीफ के करीब करीब के ना आपको वो पॉइंट्स दिखाएंगे जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं और मजे मजे की खाने भी खा सकते हैं। तो बिल्कुल जो मक्का पाक के बिल्कुल करीब है हरम शरीफ के, तो वो एरिया आपको दिखाएंगे और वहाँ के लिए ही आज का व्लॉग है। क्योंकि जो हाजी लोग आते हैं वो खाने पीने के लिए थोड़ा तंग हो जाते हैं और शॉपिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा तंग हो जाते हैं। तो आज चलते हैं आपको वही एरिया दिखाते हैं, वो जो बिल्डिंग्स हैं हरम शरीफ के पास, तो वहाँ के पूरे ब्लॉग बनाते हैं और आपको पूरी डिटेल बताते हैं इंशाल्लाह। वीडियो पूरी देखें इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आएगा। अच्छा दोस्तों, इस टाइम जो है ना मैं हरम शरीफ में पहुंच गया, आप देख सकते हैं माशाल्लाह, और रश देखें अभी जो है ना असर की नमाज भी नहीं हुई और बहुत ज्यादा रश आप देखें माशाल्लाह, क्योंकि रमजान चल रहा है और आप लोगों को पता है कि रमजान में यहाँ पे बहुत ज्यादा रौनकें होती है रमजान। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही खुश नसीब लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं उमरा करने के लिए, ज्यारत करने के लिए। यहाँ पर आप आए तो ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़े, ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगे, कुरान मजीद पढ़े, और माशाल्लाह देखिए अजान भी हो रही है। पहले अजान सुन लेते हैं इंशाल्लाह, फिर लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आपने सामने देखना है, बिल्कुल आपके सामने विराज अल सफवा देख रहे, जैसे आप वहां से निकलेंगे यानी क्लॉक टावर के साथ वाली बिल्डिंग। यहाँ पे बहुत ज्यादा रश भी है और यहाँ पे जो है ना बहुत ज्यादा यानी शॉपिंग के लिए भी यानी दुकानें वगैरह हैं, शॉप्स वगैरह हैं, और सलून भी हैं यानी शेव कराने के लिए, कटिंग कराने के लिए। काफी सारे लोग जा के रहे, तो अभी आपको अंदर चल के दिखाते हैं अंदर का मंजर। आप एक बार फिर से देख रहे हैं ये वाली बिल्डिंग।
ये देखिए, जैसे आप इंटर पे होंगे ना, आपके सामने स्टेयर्स है यानी लिफ्ट है। ये देखिए, जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, यहाँ पे देखें यानी कपड़े वगैरह के लिए और काफी सारे यानी कि गिफ्ट्स लेने आकर 3 हजार की दुकान है। देखो तो ये ठीक है, यानी आप यहाँ पर आए यानी प्राइस वगैरह देखें, लेकिन ये है कि प्राइस आप जरूर टैली कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम ये होता है कि लिखा कुछ होता है बोर्ड के ऊपर और होता कुछ है। ये देखें माशाल्लाह काफी सारी शॉप्स है यहाँ पर गिफ्ट्स लेने के लिए, देखिए तस्वीरें हैं और वॉचेस वगैरह और ये सब चीज़ें भी यहाँ पे मिलती हैं। लेकिन मैं आपको बार बार कहता चलूँ कि आप लोग पहले जो है प्राइस ज़रूर टैली करें, माशाल्लाह यानी हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होगी, आपको मिल जाएगी इब्राज सबको। आप ये देख सकते हैं परफ्यूम्स वगैरह और गिफ्ट्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ बता चलो, यहाँ पर जो है ना परफ्यूम्स वगैरह भी मिल रहे हैं, इतर भी मिल रहे हैं, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन यह है कि इनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा, तो आप अगर यहाँ से ना लें तो बेहतर है। लेकिन यह कि अगर आपने उम्रा कर लिया और फिर मसाजिंग मसाज भी कराएं, यानी मसाज चेयर भी यहाँ पर है, ये देख लें माशाल्लाह अबाए भी मिलते हैं यहाँ पर, हर चीज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, यानी आसानी से आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा, जो बाहर की दुकानें हैं उनके लिए मैंने मना किया था, क्योंकि प्राइस वगैरह बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो दैट्स वाई आप जो है ना शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो हो गया ना फर्स्ट फ्लोर, अभी हम चाह रहे हैं सेकेंड फ्लोर पर। ठीक है, यहाँ पर कपड़े वगैरह और परफ्यूम और हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए, और ये देखें तो अभी हम जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर पर। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना मेरे ख्याल से जा नमाजें और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन साथ साथ में होटल्स वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनका भी आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ और साथ साथ बताता भी हूँ कि कौन सा मौका है और क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे मसाज चेयर्स बहुत ज़्यादा देखी है मैंने, और ये भी ज़रूर एक बार ट्राई करें, बेहतरीन ये देखें। मैंने आपको बताया कि सेकेंड फ्लोर पर हम आए हुए हैं इस टाइम, तो यहाँ पर ना पाकिस्तानी होटल भी हैं, इंडियन, बंगाली और हर किस्म के होटल्स आपको मिल जाएंगे। ये देखें बिल्कुल जो मैंने बिल्कुल सामने है इस टाइम, ये देखिए मतामल फिरदौस, यानी पाकिस्तानी होटल है, उसका टेस्ट वगैरह भी बहुत अच्छा है यकीन है। उसके साथ में मेरे जो लेफ्ट साइड पे है इस टाइम आप देख लें, ये बांग्लादेश का होटल है, ये बांग्लादेश का होटल है, माशाल्लाह देखिए क्या क्या चीज़ है इनके पास। और ये जो है ये मताम फिरदौस यानी पाकिस्तानी होटल है, और इनके पास जो है सैंडविचेज वगैरह और बर्गर वगैरह हर चीज़ मिल जाती है। ये देखिए बिरयानी वगैरह भी यहाँ पे मौजूद, ये देखिए कबाब वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे, फिश मिल जाएगी। और ये यकीन करें बिल्कुल हरम शरीफ के पास ही है, यानी बिल्कुल बाब मलिक अब्दुल अजीज के सामने वाली जो बिल्डिंग है, ये वहीं पर ही हर चीज अवेलेबल है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। यानी साल में रोटी खाना है तो वो भी आपको मिल जाएगी, राइस वगैरह बिरयानी और हर चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यानी मैं आपको बता दूं, यानी वहाँ से हम इंटर हुए हैं उस साइड से, ऐसे स्टेयर से ऊपर आए हैं और सेकंड फ्लोर पे हम जैसे आते हैं तो यहाँ पे होटल्स मौजूद हैं माशाल्लाह जी। मेरे तो रोज़ा है, लेकिन खाने इतने ज़बरदस्त हैं कि दिल करता है कि बस जल्दी से रोज़ा खुल जाए। ये देख सकते हैं समोसे वगैरह और हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी, सैंडविचेस, बांग्लादेशी खाने, इंडियन, पाकिस्तानी, यानी बेहतरीन मरकज़ है। अच्छा मैं एक और चीज़ बताते चलूँ आप लोगों को कि सेकंड फ्लोर तक ही है यानी मार्केट, बाकी थर्ड फ्लोर से जो है ना जिनके रूम्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं यानी रिहाइश के, तो शॉपिंग के लिए सिर्फ फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर ही। ये देखिए जूसेस के लिए भी सामने दुकान है बिल्कुल, सैंडविचेज वगैरह और शवरमा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखें जी हाजी बेचारे पहले उमरा करके आए हैं और फिर अब जो है ना मसाज चेयर पर लेटे हुए थक गए, माशाल्लाह रमजान चल रहा है और देखें रश कितना है। अच्छा मैं पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक शॉप थी वहाँ पे 3 रियाल लिखा हुआ था उसके ऊपर, और एक शॉप ये भी है जिसके ऊपर 3 रियाल लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप प्राइस ज़रूर टैली करें और उसके बाद जो है शॉपिंग करें। अभी चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ, रश देखिए जी माशाल्लाह कितना रश है, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। अच्छा दोस्तों ये देखिए जैसे आप इस बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे सामने ही बाब मलिक अब्दुल अजीज़ है, जैसे आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो सामने ही आपके जो फ्रंट पे जो डोर आएगा हरम शरीफ का वो है बाब मलिक अब्दुल अजीज़। तो बाफात की तरफ जैसे हम जाएंगे ना तो उसके सामने ही एक और बिल्डिंग है जबले उमर नाम से है, माशाल्लाह
वहाँ पे चलते हैं, वहाँ का भी आपको अंदर से वीडियो बना के दिखाता हूँ। वहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट है अल धनु के नाम से, तो इधर भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको शॉपिंग करने के लिए। अभी हम चलते हैं बाब मलिक अब्दुल अजीज की तरफ, जबले उमर बिल्कुल सामने ही है, यानी बाब मलिक अब्दुल अजीज से आप जैसे बाहर निकलेंगे तो सामने ही जबले उमर नाम की बिल्डिंग है, तो वहाँ पे भी काफी कुछ मिल जाता है यानी। लेकिन खाने पीने की यहाँ वहाँ पे ज्यादा वैरायटी है, अगर आप अरबी फूड खाना चाहते हैं यानी अलबेक हो गया और आपके और अलताजिज वगैरह और इस चीज़ के इस तरह के जो फास्ट फूड है तो वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। ये देखेंगे कितने अच्छे फैंस चल रहे हैं यहाँ पे और पानी का स्प्रे भी कर रहे हैं साथ साथ, ताकि जितना रश है तो गर्मी ना हो यहाँ पर। ये देखेंगे कितनी स्पीड से स्प्रे कर रहे हैं माशाल्लाह, इंतजाम बहुत अच्छे किए हुए हैं सऊदी गवर्नमेंट ने, अल्लाह ताला इनको जजाए खैर दे। ये देखेंगे आप, अगर आप इस साइड पर जाएंगे यानी इस रोड पर जाएंगे तो आप यानी कुबरी मिसला वाली साइड पर जाएंगे, शारा हिजरा वाली साइड पे जाएंगे, ठीक है, तो ये रोड सीधा उधर ही जा रहा है जहाँ पे ज्यादातर पाकिस्तानी भाइयों के होटल्स वगैरह हैं। तो दोस्तों जैसे आप बाब मलिक अब्दुल अजीज से निकलेंगे ना, यानी जैसे आप बाब मलिक अब्दुल अजीज से निकलेंगे तो ये देखेंगे बिल्कुल सामने ही आपके जबले उमर, ठीक है, तो इस बिल्डिंग के अंदर हमने चलना है। यहाँ पे धनु भी है, उसके भी आपको सैर कराते हैं और फिर खाने पीने के बारे में भी आपको बताते हैं, ठीक है। देखिये जी सिक्योरिटी हल्का बेचारे बैठे हैं यहाँ पे, और यकीन करें इन लोगों की वजह से यहाँ पे थोड़ा सुकून है, नहीं तो जितना रश है ना तो बहुत ज्यादा गहमा गहमी हो जाती है। तो अभी हम चलते हैं बाहर। अच्छा एक और चीज बताते हैं, चलो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ से अंदर नहीं आने देंगे, यानी ये वन वे, यहाँ से मुझे अंदर नहीं आने देंगे ले जी। तो अभी मुझे यानी अगर अफ्तारी करनी है तो मुझे दूसरे गेट से आना पड़ेगा, यानी उस साइड से आना पड़ेगा। अभी हम चलते हैं जबले उमर के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह नाम इंटर हो गया, वहाँ पे सिक्योरिटी अहलकार खड़े थे, पता नहीं वीडियो बनाने से क्यों रोक रहे हैं आज, आज समय नहीं आ रही, नहीं तो पहले तो नहीं रोकते। तो ये देखें जी अभी हम जबले उमर के अंदर आ गए। अच्छा उसमें और इसमें अगर कंपेयर किया जाए तो ये थोड़ा यहाँ पे यानी स्पेस ज़्यादा है, खुला डुला है, और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जबले उमर में स्पेस ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर प्राइस भी ज़्यादा है, आप कोई चीज़ लेंगे तो यहाँ पर प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, ये आप देख लें। अगर हम ऊपर जाएंगे तो खाने पीने की एरिया है, तो पहले हम ऊपर ही चलते हैं ताकि आप लोगों को वो एरिया दिखा दूँ और फिर उसके बाद दोनों चलेंगे। तो ये देखें ये सामने नहदी फार्मेसी है, यानी दवाई वगैरह लेनी हो तो यहाँ पर भी है, और हरम शरीफ के बिल्कुल सामने अगर आप बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल फ्रंट पे भी मौजूद है जी फार्मेसी। ये देखें जी यहाँ पे भी शॉपिंग करने के लिए काफ़ी सारी दुकानें हैं, लेकिन इनके प्राइस ज़्यादा हैं, तो बी केयरफुल, मैं आपको पहले बता दूँ। ये देख लीजिए माशाल्लाह, जैसे हम सेकंड फ्लोर पे आएंगे ना जबले उमर में भी, सेकंड फ्लोर पे हम आएंगे तो यहाँ पे खाने पीने की चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो ये देखेंगे दोस्तों अरबी भी है, लेकिन ये अलबैक नहीं है, और ये है जी अलबैक। खाने पीने में अगर फास्ट फूड में खाना है तो अलबैक जरूर ट्राई करें, ये तो भाई फास्ट फूड में सरदार है, ऐसे क्या है। और भी देखें माशाल्लाह यहाँ पे और भी काफी सारे होटल हैं, लेकिन रश नहीं है, अलबेक पे बहुत ज्यादा रश, शावरमा वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है मौजूद है। ये देखिए आपको पूरा एरिया दिखा देता हूँ मैं, मुलाहिजा करें, लेकिन सबसे ज्यादा रश जो था वो अलबेक पे ही था। ये देखो अच्छा दोस्तों एक केएफसी हमने नीचे देखा है, एक ये देखें यहाँ पर भी मौजूद है, और वो जो एक बिल्डिंग हमने मिस की है उसके अंदर भी अलबेक मौजूद है, लेकिन उसका ब्लॉग फिर किसी दिन इंशाल्लाह हम बनाएंगे। फिलहाल हम जबले उमर का ही ब्लॉग बनाएंगे और आपको धनुब भी दिखाएंगे। ये देखिए जी सामने फ्रंट पे आप देख रहे हैं अलताजिज, ये भी ज़रूर ट्राई करें, इनका एक अलग से टेस्ट है, जितने भी लोग आए तो ये ज़रूर ट्राई करें जी अलताजिज भी। यहाँ पे आने का मेन मकसद ही यही था कि अलग भी खाएं, लेकिन ये भी ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए चलते और तरफ, ये इजिप्शियन खाना है, इजिप्शियन फूड, और ये देखें बिन लबन, बिल लबन जो है ना ये, इसका भी ट्राई करें क्योंकि इनके पास ज़्यादातर दूध आइटम होती है और आइसक्रीम और भी काफ़ी कुछ होता है, लेकिन माशाल्लाह आइसक्रीम की बहुत सारी वैरायटी है इनके पास, फिर आप देख सकते हैं। और वैसे आजकल सोशल मीडिया पे ये ज़्यादा छाए हुए बिल लबन वाला, उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप इनको
आगे बढ़ेंगे तो आपके राइट साइड पे ही ये सिटिंग एरिया, वहां से आप खाना लें और यहाँ पे बैठ के आप आराम से खाना खा सकते हैं। ये देख सकते हैं, लेकिन इस टाइम रोजा, इस टाइम नहीं खा सकते हैं। और बिल्कुल सामने देखेंगे तो हरम शरीफ होगा इस खिड़की से, लेकिन फिलहाल बंद है। तो ये सीन है लोग, लेकिन अभी से ही अफतारी का सामान लेकर आते हैं, अभी से ही बैठे आराम से अफतारी कर सकते, क्योंकि छोटे बच्चे वाले जो है, जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं, तो वो बाहर वहां पे अफतारी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रश बहुत ज्यादा, तो बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। और यहाँ पर भी मसाज चेयर है, बिल्कुल आप देख लें, लेकिन ये एक बार ट्राई जरूर करें। अभी हम चलते हैं नीचे, यहाँ धनू में, धनू का भी बनाते हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं वापस, क्योंकि जो धनू है वो ग्राउंड फ्लोर पे, तो चल के उसका भी विजिट कर लेते हैं। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि व्लॉग जो है ना ज्यादा लंबा ना हो गया बस। अच्छा दोस्तों, यहाँ से जब जा रहा था ना जबले उम्र से, तो यहाँ पे मुझे एक शॉप नजर आई है परफ्यूम वगैरह वाले, तो ये भाई ने मुझे कहा कि हमारी शॉप पे भी वीडियो बनाए। How are you? रूबा रोज। अच्छा ये देखिए, ये शॉप है रूबा रोज, अगर आप लोग जबले उम्र में आए तो रूबा रोज जरूर आए यहाँ पे ट्राई करें, इनका बिहेवियर बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा उन्होंने लाइक भी कर दिया, सब्सक्राइब भी कर दिया, तो ये देख लीजिए, तो यहाँ पे भी जरूर 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 आ पाए। ओके जी, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, ओके थैंक यू, अस्सलाम। अच्छा जी, अभी जो है ना थोड़ा थोड़ा आपका भाई मशहूर हो रहा है, यानी आप कहीं भी जाए तो कुछ लोग जो है ना पहचानने लग गए हैं। वैसे अभी हम चलते हैं वापस नीचे की तरफ, ये भाई काफी देर से मुझे आवाज नहीं दे रहा था, मैं एक्चुअली इग्नोर कर रहा था, मैं ये समझ रहा था कि ये शायद वीडियो पे कोई बात करेगा कि आप वीडियो बना रहे हैं ऐसा वैसे, लेकिन वो जो है हमें ये कह रहे थे कि हमारी शॉप की भी आप वीडियो बनाए। अभी इस टाइम जो है ना मैं बेसमेंट वाली साइड पे जा रहा हूँ, ठीक है, अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचे थे, अभी हम जा रहे हैं बेसमेंट वाली साइड पे, जो है अल्दानियत है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम पहले आया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, यानी लेकिन ये कि है ग्राउंड फ्लोर पे, इतना मुझे पता है। जैसे आप स्टेयर से नीचे आएंगे, हाँ ये देखें बिल्कुल आपके सामने ही अल्दानू को देख सकते हो, ये देखें, हाँ ये देखें बिल्डिंग में कितनी शानदार बनाई है माशाल्लाह इन्होंने। तो अभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको फार्मेसी का कहा था, ये है नेहदी फार्मेसी, यहाँ से आपको टेबलेट्स वगैरह और काफी अद्वियात हर किस्म की यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अभी हम लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताते चलूं, प्लीज यहाँ से अगर कुछ चीज लें प्राइस टैली जरूर कर लें, इनका प्राइस थोड़ा ज्यादा जरूर होता है लेकिन क्वालिटी अच्छी। ये देखिए यहाँ पे हर चीज मौजूद है और हर चीज के साथ उसका टैग लगा हुआ होगा कौन सी चीज कितने की है। ये देखिए बच्चों के टॉयज वगैरह भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन प्राइस थोड़ा ज्यादा है नो डाउट, तो इस चीज का आप खास ख्याल रखेंगे।
पे आप जाएंगे तो कपड़े वगैरह मिलेंगे और नीचे जो है यूज करने की चीजें और खाने पीने की अशिया मिलती है। आखिर ये आप देख लें माशाल्लाह, रश यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन पता नहीं अभी यहाँ से हमें एग्जिट करने देंगे कि नहीं करने देंगे। हमने लिया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं हम यहाँ से एग्जिट करने की। तो ऐसे ऐसे चलते हैं वापस बाहर की तरफ। ये देख लें, यानी आप जैसे ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे तो बिल्कुल लास्ट में आपको दारू मिलेगा। अभी हम चलते हैं ऐसे ऐसे वापस ऊपर की तरफ। अच्छा दोस्तों, फाइनली मैं अपनी गाड़ी के पास आ गया हूँ। जल्दी गाड़ी के पास आने की एक रीजन थी, वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। उसकी रीजन ये थी कि ये देखें, ये पार्किंग सही नहीं लगी थी मेरी गाड़ी, ये बिल्कुल रॉन्ग पार्किंग है। तो मुझे डर था कोई ठोक वोक ना जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक है गाड़ी मेरी। मुझे ये डर था कि पार्किंग नहीं थी एक्चुअली, तो इसलिए जो है ना मैं जल्दी आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और अगर कोई इसमें कमी पेशी रह गई है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और किसी जगह की भी आपने ज़्यारत करनी है सऊदी अरब पूरे में तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं, तो मैं इंशाल्लाह जाके वहाँ की वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए तशरीफ लाएं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।